हिमाचल प्रदेश में आने वाले पूरे हफ्ते धूप खिलेगी, तापमान में भी हल्की बढ़त दिखाई देगी। दरअसल आईएमडी का अनुमान है कि मौसम विज्ञान केंद्र संदीप कुमार ने इस बाबत जानकारी दी और 24 घंटे में ऊना में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बीते 24 घंटे में मनाली और शिमला में 23 डिग्री तापमान, लाहौल स्पीति के केलांग में 5 डिग्री से अधिक तापमान, कुल्लू और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी देखने के लिए मिली है। 17 अक्टूबर तक मौसम साफ बने रहने की संभावना है। 17 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहेगा, यानी करीब अगले 5 दिनों तक मौसम इसी तरह सुहाना और साफ रहेगा। पूरे प्रदेश में धूप खिलेगी, ये अनुमान लगाया गया है मौसम विभाग की ओर से। संदीप कुमार जो मौसम विज्ञान केंद्र में है, उन्होंने जानकारी दी है। और बीते 24 घंटे में ऊना जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान यहां पर रिकॉर्ड हुआ है। मनाली और शिमला में 23 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही रहा है बीते 24 घंटों में, और अगर हमें देखिए 6 से 7 दिनों में भी प्रदेश में जो मौसम है पूरे ही मतलब क्षेत्र में मुख्यतः साफ ही रहने की संभावना है। और तापमानों की बात करें जो अभी जो दिन के तापमान है और जो अर्ली मॉर्निंग के जो न्यूनतम तापमान है पूरे प्रदेश में ही सामान्य चल रहे हैं। जो सबसे अधिक तापमान था वो ऊना में रिकॉर्ड किया गया था 35.8 डिग्री सेल्सियस, और शिमला की बात करें तो 23 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, मनाली में भी 23 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। तो पूरे प्रदेश में ही जो दिन के तापमान है वो सामान्य है, केवल एक स्टेशन है किलोंग जहाँ जो दिन का तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री अधिक चला है ओवरऑल, बट पूरे प्रदेश में जो तापमान है ये सामान्य ही है। और आगामी देखिए 4-5 दिनों में एज सच कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और जो तापमान है ये इसी रेंज में रहेंगे, मतलब जो आपके मध्यवर्ती क्षेत्र हैं और जो प्लेन क्षेत्र हैं वहाँ 1 से 2 डिग्री अधिक रह सकते हैं, जो कि सामान्य की रेंज में आते हैं। देखिए बीते 48 घंटे में जो हमारे जो हाई रिस्क के डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे जो किन्नौर है, कुल्लू के जो हाई रिचेज हैं, वहाँ पे हल्की बर्फबारी दर्ज की गई थी। हालांकि देखिए आगामी आज 11 से लेके 16 तारीख तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम साफ रहेगा आगामी 6 दिनों में, और पर एज सच जो तापमान इतने ज़्यादा राइज नहीं करेंगे। जो अभी रेंज चल रही है जैसे मैं शिमला की बात करें 23 डिग्री, तो इसी के आसपास रहने की संभावना है, ऐसा कोई राइजिंग ट्रेंड नहीं रहेगा। पर हाँ ये कि मौसम पूरे प्रदेश में साफ रहेगा आगामी 6 दिनों में। देखिए 17 तारीख तक तो कोई संभावना नहीं है कि कोई ऐसी मेजर कोई स्पेल आए अभी ना, क्योंकि मौसम मुख्यतः अभी साफ ही रहेगा आगामी 7 दिनों में प्रदेश में।